हेलो गाइस, एक बार फिर सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पे स्वागत। मैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये जो वीडियो हैं ये हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं शुरू आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नैना देवी मंदिर किस जिले में है? शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर। आपको बताएं, जो नैना देवी का टेंपल है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दिस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लक्ष्मी नारायण मंदिर किस जिले में स्थित है? कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा। आपको पता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दिस राइट आंसर। बजोरा में किस देवता का मंदिर प्रसिद्ध है? शिव, विष्णु, दुर्गा, काली। इसका राइट आंसर है ए, शिव का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला जी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो आपको पता है कि ज्वाला जी का मंदिर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतपूर्णी का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? आपको पता है चिंतपूर्णी का मंदिर ऊना डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणि महेश मंदिर किस स्थान पर है? तो आपको पता है कि मणि महेश का मंदिर क्या है, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? नीरथ, चंबा, किलांग, बिलासपुर। तो सूर्य मंदिर आपको पता है शिमला में नीरथ नाम स्थान पर है। इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भड़भाग सिंह मेला किस जिले में लगते हैं? तो आपको पता है कि बाबा भड़भाग सिंह का मेला उन्ना डिस्ट्रिक्ट लगता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 मंदिरों वाला स्थान कौन सा है? भरमौर, चंबा, अर्की, सुंदरनगर। तो आपको पता है कि 84 टेम्पल क्या है, वो भरमौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवट सिद्ध नामक मंदिर कौन से जिले में है? बिलासपुर, उन्ना, मंडी, हमीरपुर। तो आपको पता है कि देवट सिद्ध मंदिर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सी इज राइट आंसर। भूतनाथ मंदिर कहाँ है? तो भूतनाथ मंदिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 सिद्धों के मुखिया का क्या नाम था? जो 84 सिद्ध थे उनके मुखिया, जो फर्स्ट सदस्य था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था चरपटनाथ। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा का रथ मेला किसका प्रतीक है? जो चंबा में रथ मेला मनाया जाता है वो किसका प्रतीक है? महिषासुर, रावण, भस्मासुर या काली। वो प्रतीक है भस्मासुर का। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? जो मंडी में भूतनाथ का मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किसने किया? वो किया था अजवर सेन ने। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मंडी की रानी सुल्ताना देवी ने किस मंदिर को बनवाया? तो आपको पता है कि जो सुल्ताना देवी थी मंडी की रानी, उसने त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण किया। इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा काली का मंदिर किस राजा ने बनाया? वीर सेन, अजबर सेन, श्याम सेन, विजय सेन। तो श्यामा काली, श्यामा से ही आंसर इसका रिलेट में, श्याम सेन ने, श्यामा काली का मंदिर श्याम सेन ने। इसको याद रखने का तरीका, किन्नौर में सबसे अधिक शक्तिशाली देवता कौन है? तो काम्मा। इज राइट आंसर। नाहन के जगन्नाथ मंदिर में आज भी किस बाबा के शिष्य चले आ रहे हैं? तो आपको तो बनारसी दास के शिष्य के वो चले आ रहे हैं। शिव का कैलाश पर्वत कौन से जिले में है? तो आपको तो किन्नर कैलाश किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर का मेला कहाँ होता है? तो आपको पता कि मिंजर का मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मंडी के प्रसिद्ध देवता का क्या नाम था? तो मंडी का जो प्रसिद्ध देवता है वो है महुनाग, जिसको आज भी शिवरात्रि मेले में बुलाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्री कुल देवता कहाँ स्थित है? जो श्री कुल देवता है वो चूड़धार सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मलाना घाटी के प्रसिद्ध देवता का क्या नाम? तो आपको पता है जामलू, जमालू, जामलू। सी डीज राइट आंसर। रोक कट टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो मसरूर नाम का स्थान है उस वहाँ पे स्थित है। इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से पंगोड़ा शैली का मंदिर कौन सा है? जो पंगोड़ा शैली का मंदिर बनाया है वो बनाया है हडिब्बा, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। सी इज राइट आंसर। बैजनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस किस
किसका है? बैजनाथ काशी, आपको तो शिव भू शिव मंदिर है स्थित है। पुराने बिलासपुर नगर के यदमुकेश पर ये रघुनाथ मंदिर किस चीज मंदिर है? आपको तो पांडव के रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको तो कुल्लू में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सहतलाईस्थान का संबंध किस प्रसिद्ध मंदिर के साथ जोड़ा जाता है? तो सहतलाई मेला आपको पता है कि बाबा बालकनाथ जी का लगता है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। भीमा काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीमा काली मंदिर शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डीज राइट आंसर। रावण का संबंध कांगड़ा के किस मंदिर से जोड़ा जाता है? बागसूनाग से, कांगड़ा से या फिर इसके अलावा? बागसूनाग, कांगड़ा मंदिर या शिव मंदिर या इससे कोई नहीं, तो बागसू शिव मंदिर जो बैजनाथ है उससे जोड़ा जाता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे मशहूर गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो आपको तो महत्वपूर्ण सुनना डिस्ट्रिक्ट का पावटा साहिब गुरुद्वारा के वो सबसे प्रसिद्ध है। बागसूनाग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको तो धर्मशाला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में गुरु घंटाल का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुरु घंटाल कांगड़ा, सोहल, लाहौल स्पीति, कुल्लू, तो लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शिकारी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो शिकारी देवी का मंदिर मंडी जिले में स्थित है। आपको पता है कि हर साल इस मंदिर पर क्या बोलती है, बिजली बरती, आसमानी बिजली बरती है। मंदिर के जो शिवलिंग है उसके ऊपर क्या बरती, आसमानी बिजली बरती है। हिमाचल प्रदेश में चमंडा देवी का मंदिर कौन से जिले में है? तो चमंडा देवी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिजली महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बिजली महादेव का मंदिर है कुल्लू में। रेणुका मेला कौन से जिले में होता है? तो आपको पता है रेणुका मेला सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवी का मेला कहाँ होता है? अर्की, चंबा, किन्नौर, रामपुर। तो आपको तो लवी का मेला रामपुर में होता है। रेणुका का संबंध किस से है? परशुराम से, व्यास से, पांडव विशिष्ट परशुराम से, क्योंकि रेणुका के वो परशुराम की क्या थी, माता थी। इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मगरू महादेव मंदिर कौन से जिले में? मगरू महादेव मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंडी का पंचवा कतरा मंदिर कौन से शासक ने बनाया? तो जो पंचवा कतरा अजवासे ने बनाया था। प्रसिद्ध स्थान बाबा रुद्रू किस जिले में है? बाबा रुद्रू उन्ना में है। जो भी बाबा रिलेटिव क्वेश्चन आता है वो उन्ना ही डिस्ट्रिक्ट में है। चंबावती का मंदिर कहाँ है? तो चंबावती चंबा में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाला सुंदरी मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो बाला सुंदरी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंडी का भूतनाथ मंदिर कौन सी ईस्वी में बनाया गया? तो 1525 में मंडी का भूतनाथ मंदिर बनाया गया था। जामलू देवता की पूजा कहाँ पर की जाती है? तो आपको पता है जामलू देवता की पूजा कुल्लू में की जाती है। मंडी का श्यामा काली मंदिर कौन सी ईस्वी में बनाया? तो श्यामा काली का 1664 ईस्वी से 1669 ईस्वी में। बी इज राइट आंसर। ज्वालामुखी मंदिर किसने बनवाया था? तो ज्वालामुखी मंदिर बनाया था भूमिचंद्र ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, त्रिलोकीनाथ मंदिर कौन से जिले में है? तो त्रिलोकीनाथ लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ पर 12 महीने देसी घी के दिए जलाए जाते हैं, जलाते भी हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिवालसर झील का स्थान किस ऋषि से जोड़ा जाता है? तो ये लोमास एक नाम का जो ऋषि था उस नाम से जोड़ा जाता है। सी इज राइट आंसर। रेणुका झील का स्थान किस से था? तो रेणुका झील का था परशुराम से, परशुराम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किलाड़ कहाँ पर स्थित है? तो किलाड़ पांगी में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 70। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में उप तहसीलें कितनी? तो उप तहसीलें हैं 32। राज्य में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो जनसंख्या जो घनत्व है वो है 109। सली चोटी किस जिले में है? सली चोटी है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कांगड़ा हवाई अड्डा जिसे गगल के नाम से जाना जाता है कब बनाया गया था? तो ये 1989 में ईस्वी में बनाया गया था। राष्ट्रपति ने किस वन प्रबंध के हेतु अधिग्रहण विधेयक को अपनी सहमति दी थी? तो वो थी कूटलहर वन। सी इज राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। ऐसे ही और वीडियो साथ बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तब तक जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।